हेलो एवरीवन, दिस इज मन मोहन तिवारी एंड यू आर वाचिंग योर चैनल फिनेंशियल पंडित। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ। आज वीडियो में क्या है, देखो कई लोग पैसा ये चाहते हैं कि ऐसे जगह लगाए जहाँ पे थोड़ा पैसा सुरक्षित हो, वो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड पे फोकस नहीं करते। देखो इक्विटी में रिटर्न तो है लेकिन रिस्क भी है, उनका पैसा नुकसान होने का चांस ज़्यादा होता है। तो ऐसे में वो पैसा हमेशा ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें उनका पैसा सुरक्षित रहे। हम जानते हैं कि FD में हमें यहाँ पे हमारा पैसा सुरक्षित रहता है और FD में एक नॉर्मल रिटर्न मिल जाता है, लेकिन कोई ऐसा फिनेंशियल प्रोडक्ट है जिसमें हम पैसा लगाएं, थोड़ा पैसा हमारा सुरक्षित भी रहे और हमें FD से ज़्यादा रिटर्न भी मिले। देखो जो मैं आज यहाँ पे फंड बताने वाला हूँ, जो मैं आज आपको ये फंड बताऊँगा, इसका अगर हम देखें तो आप 2 से 3 साल इसमें फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 6 महीने में भी निकल सकते हो, 1 साल में भी निकल सकते हो। इसमें आप शॉर्ट ड्यूरेशन में भी अच्छा रिटर्न ले सकते हो, लॉन्ग ड्यूरेशन में भी अच्छा रिटर्न ले सकते हो। आज मैं आपको बेस्ट ऐसे 2 म्यूचुअल फंड बताऊंगा जो वाकई में अपने कैटेगरी में अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। और मैं आपको ये 2 फंड क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए 2 फंड बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा फंड है जिसमें आपको FD से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और आपका यहाँ पे पैसा सुरक्षित भी रहेगा। देखो कोई भी फंड हो, अगर हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो कोई भी अगर ऐसा एडवाइज़र कहता है कि आपका पैसा 100% सिक्योर है, यहाँ पे सेफ है, सुरक्षित है, तो गलत कहता है। देखो म्यूचुअल फंड में भी हमारा जो पैसा सुरक्षित कुछ हद तक होता है, डेब्ट फंड में होता है। और डेब्ट फंड में भी रिस्क है। डेब्ट क्या रिस्क है, इंटरेस्ट रेट का रिस्क है और यहाँ पे क्रेडिट रिस्क है। देखो क्रेडिट रिस्क तो हमारे हाथ में है, एग्जैक्टली हमारे हाथ में है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट का रिस्क हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे जो क्रेडिट रिस्क है उसको मिनिमाइज करके कुछ अच्छे फंड का सिलेक्शन करें तो हमारा कुछ हद तक पैसा सुरक्षित रह सकता है। कई तरह के इन्वेस्टर होते हैं, कई ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनको 6 महीने के लिए पैसा रखना होता है, कई ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनको 2 महीने के लिए पैसा रखना होता है, कई ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो 1 साल तक चलते, कई लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं जो आज आपको ये फंड बताऊंगा वो बैंकिंग एंड PSU डेब्ट फंड से रिलेटेड बताऊंगा। 2 फंड बताऊंगा जो बहुत ही बेहतरीन है। 2 फंड कौन कौन से हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं जो नाम लूंगा यहाँ पे IDFC बैंकिंग एंड PSU डेब्ट फंड का लूंगा, डायरेक्ट फंड ग्रोथ का। अगर देखो इसके म्यूचुअल फंड की बात करें तो अगर सिंपल से इसका अगर बेसिक डिटेल जाने तो यहाँ पे जो इसका एक्सपेंसेस रेशियो है वो 0.30% है, 0.30% है। वहीं पे अगर इसके एग्जिट लोड की बात करें तो 0% है। इट मींस कि अगर आप 6 महीने में भी निकलते हो, 8 महीने में भी निकल रहे हो, आप 2 महीने में भी निकल रहे हो, तो आपको यहाँ पे एग्जिट लोड नहीं लगेगा और आपका यहाँ पे पूरा जितना प्रॉफिट हो रहा है उसमें से कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। अगर हम इसके AUM की बात करें तो यहाँ पे 17,000 करोड़ के करीब में इसका AUM है। बहुत बड़ा फंड है। डेब्ट फंड में अक्सर आप देखोगे तो AUM बहुत बड़ा होता है। अगर इसके हम एज की बात करें तो ये 7 साल पुराना फंड है, 7 साल पुराना फंड है। और अगर इसका बेंचमार्क से हम कंपेयर करें, जो इसका बेंचमार्क है वो निफ्टी बैंकिंग एंड PSU डेब्ट TRI है। जो मैं आपके सामने ये फंड लेके आ रहा हूँ, ये एक ऐसा फंड है वाकई में जो अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट किया है, बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट किया है, और फिर से जो कि FD का रिटर्न है उसको बीट किया है। यहाँ पे अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो सिर्फ आप 1000 से मिनिमम यहाँ पे SIP स्टार्ट कर सकते हो और जो लमसम है वो 5000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक डिटेल हो गया, अब हम थोड़ा इसका रिटर्न देखते हैं। 1 वीक का रिटर्न भी देखो तो ये 0.14% है। अगर 1 मंथ के रिटर्न की बात करें तो 0.32% है। 3 मंथ के रिटर्न की बात करें तो 1.82% है। 6 मंथ में 9% का रिटर्न देखने को मिला है। वहीं पे अगर ईयर टू डेट की बात करें तो 8 से 9% का रिटर्न है। वहीं पे 1 साल के रिटर्न के देखें तो 11 से 12% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 2 साल में 12 से 13% का रिटर्न है। 3 साल में 9 से 10% का रिटर्न है। 5 साल में 8 से 9% का है। और सिंस इंसेप्शन भी 8 से 9% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। एक चीज़ आप इसमें गौर करो, जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है जो एनुअल रिटर्न है, अगर उसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करो तो एग्जैक्टली ये जो फंड है इसका रिटर्न हमेशा कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा देखने को मिला है। अगर हम 1 साल के डाटा को देखें तो इस फंड ने 11 से 12% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 10 से 11% का रिटर्न है। यहाँ थोड़ा बीट हुआ है। एग्जैक्टली 5 साल में अगर लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करें तो 8.75% का इस फंड ने रिटर्न दिया, वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 8.68% का रिटर्न है, बीट किया। तो लंबे ड्यूरेशन की बात करें या शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें, ये कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, ये तो श्योर एंड सर्टन है। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा हम डेब्ट फंड में देखते हैं कि वाकई में
जो डेब्ट फंड में हम पैसा लगा रहे हैं उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी वहाँ पे बॉन्ड है, वो कितना सेफ है, ट्रिपल ए रेटिंग है कि नहीं, तो वो भी देख लेते हैं। आपके सामने एलोकेशन है, क्रेडिट क्वालिटी कैसा है इसका, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एलोकेशन है। आप अगर ट्रिपल ए रेटिंग का यहाँ पे बॉन्ड और इंस्ट्रूमेंट की बात करोगे तो यहाँ 92% जो भी इसका AUM है उसका 92% यहाँ सेफ बॉन्ड या सेफ इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे कैश एंड कॉल मनी में 3.49 का और SOB में 3.34 का और जो A1 प्लस का है 1.14 का। जो रिस्क है इस पर्टिकुलर फंड में, यहाँ सिर्फ जो रिस्क है जो सबसे ज़्यादा A1 प्लस का जो है उसका रिस्क है, जो 1.14% का रिस्क है। बाकी अगर इन्वेस्टमेंट ट्रिपल ए का देखो तो ऑलमोस्ट 92% का है। इट मीन्स जितना ज़्यादा ट्रिपल ए के बॉन्ड या फिर इंस्ट्रूमेंट में हो रहा है वाकई में उतना आपका पैसा सेफ है। यहाँ पे आपका पैसा सेफ भी हो गया, हम रिटर्न भी देख लिए, बेसिक डिटेल भी देख लिए। एग्जैक्टली ये फंड बहुत ही ज़्यादा, चाहे आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैसा लगाएं या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लगाएं। दूसरा फंड कौन सा है जो मैं दूसरे आपके लिए लेके आया हूँ, दूसरा फंड है एक्सिस बैंकिंग एंड PSU डेब्ट फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर इसके एक्सपेंसेस रेशियो की बात करें तो इसका भी एक्सपेंसेस रेशियो सेम उसके बराबर ही है, 0.31% के करीब में। अगर इसके AUM की बात करें तो यहाँ भी 16,000 करोड़ का इसका AUM है, बहुत बड़ा फंड है ये भी। और अगर एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ भी 0% है। पैसा निकाल लो आप 6 महीने में, 8 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी निकालना हो आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा और FD से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, FD से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर इसका लॉक इन पीरियड की बात करें, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। IDFC का जो मैंने फंड बताया उसमें भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। यहाँ पे जो इस फंड का एज है वो 7 साल पुराना फंड है। अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी बैंकिंग एंड PSU डेब्ट फंड है और ये फंड अपने हमेशा बेंचमार्क को बीट किया है, अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1000 से SIP और लमसम जो है यहाँ पे 5000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर इसके रिटर्न की बात करें कि ये म्यूचुअल फंड वाकई में कितना अच्छा रिटर्न दे रहा है, क्या वाकई में कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है कि नहीं, तो ये भी देख लेते हैं। 1 वीक का रिटर्न 0.17%, 1 मंथ का 0.31%, 3 महीने का इसका रिटर्न 1.72, 6 महीने का रिटर्न ऑलमोस्ट 7 से 8% का रिटर्न है। YTD की बात करें तो 7 से 8% का रिटर्न है, 1 साल में 10 से 11% का रिटर्न है, वहीं पे 2 साल में 11 से 12% का रिटर्न है, वहीं पे आप 3 साल में देख सकते हो 9 से 10% का है। एक चीज़ है कि ये FD के रिटर्न को बीट कर रहा है, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये कैटेगरी एवरेज को भी बीट कर रहा है। वहीं पे 5 साल में भी 8 से 9% का है और सिंस इंसेप्शन में 8 से 9% का है। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी अगर इस फंड में पैसा लगाते हो तो आपको इतना तो है कि 8 से 9% का रिटर्न मिल जाएगा। कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं, क्या ये कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, ये सबसे अच्छा। आपको देखो किसी भी फंड को ना, अगर आप रिटर्न वाइज कैलकुलेशन कर रहे हो, रिटर्न वाइज उसके परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हो, तो उसके कैटेगरी एवरेज से आप कंपेयर कर सकते हो क्या कैटेगरी एवरेज से अच्छा रिटर्न दे रहा है। अगर हम इसके 1 साल के रिटर्न देखें तो 10 से 11% है, जो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 10.27 है, और वहीं पे कैटेगरी एवरेज में 10.19% है। यहाँ कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। 2 साल में भी इस फंड ने जो रिटर्न दिया है वो 11.31 और जो कैटेगरी एवरेज का है वो 10.61। यहाँ भी कैटेगरी एवरेज को बीट किया। लॉन्ग ड्यूरेशन की भी बात करते हैं, 5 साल का भी रिटर्न देख लेते हैं। 5 साल में 8 से 9% का 8.88% और जबकि यहाँ पे कैटेगरी एवरेज में 8.68%। हमेशा कैटेगरी एवरेज को बीट किया और ये एक अच्छा संकेत है किसी भी फंड के लिए। लेकिन अब ये देखना है कि इस फंड में रिस्क कितना है। देखो क्रेडिट रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, क्रेडिट रिस्क को हम स्किप कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। अगर हम अच्छे से रिसर्च करें तो हम क्रेडिट रिस्क को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसका एलोकेशन बाय क्रेडिट क्वालिटी है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ट्रिपल ए रेटिंग का जो है वो 93% के ऊपर है, ऑलमोस्ट कह सकते हो 94% के करीब में है। कैश एंड कॉल मनी की बात करें तो 4% यहाँ दिख रहा है, SOB की बात करें तो 1.33% है और A1 प्लस की बात करें तो 0.68% है। तो रिस्क सबसे ज़्यादा यहाँ पे 0.68% का है। देखो अगर इस फंड को बहुत करीब से देखें तो ट्रिपल ए के जो बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट हैं इसमें 94% है और ये जो है एक क्रेडिट रेटिंग को थोड़ा हाई करता है। इट मीन्स कि जो आपका क्वालिटी है क्रेडिट का वो बहुत अच्छा है। ये दो फंड, कौन सा फंड, IDFC बैंकिंग एंड PSU डेब्ट फंड और एक्सिस बैंकिंग एंड PSU डेब्ट फंड, ये दो फंड वाकई में बहुत अच्छे फंड है।
मैं आगे अगर वीडियो में बहुत सारे फंड लेके आऊँगा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लेकिन ये स्पेशली मैं बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड पे फोकस करके लेके आया हूँ और इसका रिटर्न भी अच्छा है। मैंने जो रिटर्न इसके जो रेगुलर प्लान है, बहुत सारे रेगुलर प्लान हैं जो स्पेशली बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स के हैं, उसके 10-10 साल और 12 साल का भी डाटा कंपेयर किया है। ऐसे फंड में अगर आप लंबे समय के लिए भी जाते हो तो आपको रिस्क रिटर्न के मामले में बहुत कम है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ एक क्वेरी जो मैं मिस कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, और भी कोई क्वेरी हो, चाहे कोई भी फिनेंशियल प्रोडक्ट हो या फिर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो, स्टॉक मार्केट हो, आईपीओ हो, आप बेझिझक क्वेरी जनरेट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।